नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और हम इस वक्त मौजूद है पट्टा के गर्दनी बाग में। जिस वक्त शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, वो धरना स्थल पे देख सकते हैं, बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि और इन लोगों को कितना वक्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। नई सरकार से तो नहीं, लेकिन जो विपक्ष में थे, जो हमारे 3 साल से समर्थन कर रहे थे, उनसे हमारी उम्मीदें जग गई है कि जब 9 दिन से आंदोलन किए तो 17-18 विधायक विपक्ष के आए हमारे पास। जो विपक्ष के विधायक थे वो जाके सत्ता में बैठ गए, तो उनसे उम्मीदें हमारी ज़्यादातर बढ़ गई कि आप लगातार बोलते जा रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो आपकी नौकरी बहाल करेंगे, आपको नियोजित करेंगे, आपको सारी सुख सुविधा देंगे। तो वो अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हमारा उम्मीद उनसे ज़्यादा बढ़ गया है जो विपक्ष में थे, जो अब पक्ष में आ गए हैं। क्योंकि लगातार आज से 2-3 दिन पहले चित्तरंजन गगन जी, जो RJD के प्रवक्ता हैं, ऋतु जायसवाल जी, आलोक मेहता जी आए, मनोज मंजिल आए, संदीप सौरभ जी आए और बहुत बड़े बड़े नामचीन हस्ती हैं जो विपक्ष सरकार से, विपक्ष से लगता था उम्मीद थी पहले और अब उम्मीद और भी जग गई है। उम्मीद तो नहीं है हमको कि सरकार के आदमी से किसी से उम्मीद नहीं होती है सर। सरकार बस जुमला फेंकने का काम करती है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन देखना ये है, उनकी नैतिकता देखनी है कि आप विपक्ष में थे तो लगातार हमारा समर्थन कर रहे थे कि हम आपकी जब भी सरकार बनेगी तो हम आपको नोटिफिकेशन देंगे। अब तो आप सत्ता में आ गए, तेजस्वी जी का वादा था कि पहला सिग्नेचर से हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो अब ज़्यादा उन पे बढ़ गया है कि आप हम लोग को बहाली दीजिए। क्या लगता है कब तक उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए, हम लोग जो है सो जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो बराबर जो है सो राजनीतिक दलों का सपोर्ट हम लोग को मिलते आ रहा है और अभी भी हम उसी आस और उम्मीद के साथ जो है सो यहाँ पर गर्दनी बाग के धरती और धरना स्थल से बैठे हुए हैं और अभी भी जो है सो वही आयास लगाए हुए हैं, कयास लगाए हुए हैं कि हम लोगों की मांगों को जो है सो जल्द से जल्द जो है सो सुन ली जाएगी और 7वें चरण शिक्षक बहाली पर पहले कैबिनेट के बैठक के बाद ही मोहर लगा दी जाएगी। जिस प्रकार की घोषणा किए थे 10 लाख रोजगार की, और इस बीच में ही बोले हैं कि 4 लाख रोजगार हम निश्चित देने का काम करेंगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। देख सकते हैं लोग निराश है और बहुत दिनों से लगातार धरना कर रहे हैं। आइए कुछ और छात्रों से जानते हैं कि कब तक है कि सरकार इन लोगों की मांगों को मानेगी। क्या लगता है सरकार कब तक आप लोगों की मांगों को मानेगी? देखिए, उम्मीद तो है कि राजद सरकार में आई है तो जिस तरह से राजद के मंत्री और विधायकों ने हमारा समर्थन किया था, उस तरह उम्मीद है कि जैसे ही सरकार बनती है महागठबंधन की तो हमारी मांगों को रखा जाएगा, हम तेजस्वी यादव से फिर मिलेंगे और शायद हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, ऐसा उम्मीद है इस नई सरकार से। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एक उम्मीद के साथ, और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे तो भाजपा और जदयू की सरकार थी और अभी वर्तमान राजनीतिक समीकरण है कि सरकार बन गई है, तेजस्वी यादव भी सरकार में शामिल हो गए हैं जो लगातार हमारा समर्थन कर रहे थे, तो हमको ये उम्मीद है कि वो नए उप मुख्यमंत्री बनेंगे और नए नेतृत्वकर्ता भी हैं, शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद वो इस बिहार के नेतृत्वकर्ता भी बनेंगे, इसलिए हमको उम्मीद है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। देख सकते हैं कि छात्रों को लगती है कि अब कुछ कुछ उम्मीद जगी है कि नई सरकार आई है, तो छात्रों को लगता है कि अब हमारी मांगों को पूरी हो सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए RA News के साथ बने रहे।